नमस्कार, मैं राजा कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने भाई YouTube चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले एक और बेहतरीन मैच को लेकर, जिसमें मैं कह सकता हूं कि आप लोग इन्वेस्टमेंट अच्छा कर सकते हो। मुकाबला होगा कार्डिप से किसके बीच में, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। बेहतरीन से मुकाबला है, जिसके टाइमिंग को लेकर बात कर लेंगे। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार मुकाबला खेला जाएगा शाम के 5 बजे। और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम डिटेल्स में ऐसे ऐसी चीज आप लोगों को बताएंगे जो डायरेक्ट आपको जीएल मिनी जीएल में अच्छा रैंक देकर चला जाएगा। रिसेंट फॉर्म को लेकर तो पूछो ही मत। जिस भी मैच को हम कवर कर रहे हैं, सारे के सारे क्लीन स्वीप जा रहे हैं। जो मैच हो, चाहे वो मेंस मैच हो, चाहे वो दोस्तों इनका जो चल रहा इंटरनेशनल मैच चल रहे हो, या फिर एशिया कप हो, सारे जगह हम लोग क्लीन स्वीप की जो है झड़ी लगा दिए। चाहे वो मिराज कैप्टन हो, चाहे वो गिल कैप्टन हो, चाहे वो दोस्तों हमारे बीसी हो दुनित विला लगे, कसुन अजीत हमारे डिफेंसर बिग हो, या फिर हमारे कैप्टन हो इमामुल हक, या फिर हम अपनी टीम में लेके जा रहे हो एस पाटिल को, सभी हमारे लिए जैकपॉट वाली काम कर रही हैं। यहाँ पे कौन जैकपॉट वाले पिक होगा हमारा, उसके लिए आपको कंटिन्यू वीडियो को समाप्त तक देखना होगा। फिर आप स्मॉल लीग तो जीतोगे, ग्रैंड लीग भी आपका होगा। अब दोस्तों बात आती है फाइनल टीम, तो आपको चाहिए होंगे। फाइनल टीम कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, चले जाना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको दिखेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सीधा सेलेक्ट कर दीजिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसी वीडियो के चले जाना कमेंट सेक्शन में, वहां पे सबसे टॉप कमेंट के ऊपर क्लिक करना और सीधा सेलेक्ट कर जाना टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आफ्टर टॉस जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगे वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। और आप लोगों में से बहुत हमारे पीयर भाई ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करने में कंजूसी दिखा दिए YouTube चैनल को। भाई ऐसा नहीं करना है, आने वाले टाइम में बहुत सारे बड़े बड़े मैचेस आने वाले हैं, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जो भी बड़े मैच आएंगे वीडियो दूंगा, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आपके पास पहुंचेगा, आपके पास एनालिसिस तैयार हो जाएंगी स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग का। और भाई साहब, आप लोग ग्रैंड लीग में भी अच्छा खासा रैंक लेके आ जाओगे। अब बात आती है कि इस वीडियो में हम डिस्कस कैसे करने वाले हैं। आपके सामने सारे टॉपिक्स लिखे हुए, मैच डिटेल सबसे पहले देखेंगे, फिर पिच रिपोर्ट, लास्ट मैच, प्लेयर स्टेट्स, वेन्यू स्टेट्स, हिट टू हिट रिकॉर्ड, रिसेंट फॉर्म और स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन को लेकर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारा जो है एक बेहतरीन सा लीडर बोर्ड चल रहा है लीग 11 के ऊपर। वो क्या है, एशिया कप के जितने भी मैचेस खेले जा रहे हैं, वहां पे जो पीआर फैमिली का सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट करेगा, सिर्फ हमारे फैमिली के लिए, उसमें कोई दूसरा फैमिली का मेंबर नहीं आ सकता है, उनमें से एक भाई को मैं 25,000 रुपीज बिल्कुल रियल कैश देने वाला हूँ जो रैंक 1 पे आएंगे। उसके बाद उनके लिए और भी ढेर सारी चीजें हैं, लाइक कि मैं उनके लिए टिकट वगैरह बुक करवाऊंगा, कहाँ का गुजरात में जो मुकाबला खेला जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और उनके उसके अलावा हम उनके साथ मीटअप करेंगे, सब कुछ उनके लिए फैसिलिटी होगा, आने जाने खाने पीने रहने सब कुछ का खर्चा प्रेडिक्शन राजा फैमिली की तरफ से पे किया जाएगा। तो इंतजार किस बात की है, लीग 11 डाउनलोड कीजिए और खेलना स्टार्ट कर दीजिए। लीग 11 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, चांसेस डिस्क्रिप्शन में भी रहते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आपको जो पिन मैसेज दिखेगा वहां पे आपको लीग 11 का लिंक देखने को मिल जाएगा। एवरेज स्कोर को लेकर बात कर लेंगे। अब पिंड मैसेज में आप लोग जो है टेलीग्राम पर जैसे ही जाओगे, सबसे ऊपर क्लिक किया, मतलब सबसे ऊपर जो है वो होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, लीग 11 डाउनलोड कीजिए। रेफरल कोड ध्यान रखना राजा 11 ही होना चाहिए। और एक बात, अगर आपने किसी और के लिंक से डाउनलोड कर लिया लीग 11, उसको अभी कीजिए अनइंस्टॉल। नया लीग 11 का ऐप मीन्स, हाँ दोस्तों, आप जो है नया लीग 11 जनरेट कीजिए हमारे लिंक से, तभी आपको ये सब बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आने वाले टाइम में और भी ढेर सारे गैजेट्स आने वाले हैं, लाइक 4-व्हीलर, 2-व्हीलर और भी दोस्तों अमेजिंग ट्रिप्स वगैरह सब होंगे। तो डाउनलोड करके रख लीजिए, अभी खेलिए, वर्ल्ड कप में देखिएगा आप लोगों को कितना बड़ा मैं सरप्राइज देने वाला हूँ लीग 11 के ऊपर। बाकी हाइस्ट टोटल को लेकर बात कर लेंगे, 386 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लोएस्ट टोटल है 125। पेसर्स के मुताबिक ये पिच अच्छी होती है। अगर हम बात कर लेंगे वेन्यू ओडीआई स्टेट्स को लेकर, 26 मुकाबला खेला गया यहाँ पे, जहाँ पे 8 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट, 17 जीती हैं बैटिंग सेकंड। ध्यान रखिएगा सीधा डबल का मतलब यहाँ पे डिफर आपको देखने को मिल जाएगा, मीन्स बैटिंग सेकंड यहाँ पे अच्छा कारगर साबित होती है। ओडीआई स्कोरिंग पैटर्न को लेकर बात कर लेंगे, यहाँ पे विनो स्कोर 200 जो है 7 दफा बने हुए हैं, बिटवीन 200 से लेकर 249 9 दफा बने हुए हैं, और 250 से लेकर 299 महज 2 दफा बने हुए हैं, और 300 से ऊपर बने हैं 8 दफा। मतलब बनते हैं तो धागा तोड़ के रन बनते हैं, नहीं बनते हैं तो फिर उतने ज्यादा रन नहीं बनते हैं। अब दोस्तों हम एक नजर देते हैं वेन्यू के ऊपर। लास्ट मुकाबला खेला गया यहाँ पे 8 जुलाई 2021 को, जहां पे पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लगाई थी 141, जवाब में इंग्लैंड की टीम वन साइडेड विन कर गई थी। फर्स्ट इनिंग पेसर्स को 7 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, सेकंड इनिंग पेसर्स को 1 विकेट, स्पिनर 0 विकेट। 15 जून 2019 को भी एक मुकाबला हुआ था, जहां पे अफगानिस्तान की टीम ने बोर्ड पर लगाए थे 125 रन, जवाब में अफ्रीका की टीम वन साइडेड विन कर गई थी। फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को 6 विकेट, स्पिनर को 4, सेकंड इनिंग में पेसर्स को 1 विकेट, स्पिनर्स को 0 विकेट। एक और मुकाबला हुआ था 8 जून 2019 को, जहां पे इंग्लैंड की टीम 386 लगाई थी, जवाब में बांग्लादेश की टीम 280 पे सिमट गई थी। फर्स्ट इनिंग पेसर्स को 4 विकेट और यहाँ पे स्पिनर्स को 2 विकेट, सेकंड इनिंग पेसर्स को 9 विकेट, स्पिनर्स को मिले थे 1 विकेट। अब हम बात कर लेते हैं पेस वर्सेस स्पिन, लास्ट के
400 मैच में क्या हुआ था, यहाँ पे जो है वो 40 विकेट गया था पेसर्स के खाते में, 15 विकेट गया था स्पिनर खाते में। तो 100 से आप जो है ओडीआई को मैच नहीं कर सकते, क्योंकि ओडीआई का विकेट और 100 का विकेट में आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। बट फिर भी आप यहाँ पे पेसर्स फ्रेंडली विकेट मान के चल सकते हो, जहाँ पे बल्लेबाज के लिए भी अच्छी खासी मदद रहने वाली है। अगर दोस्तों बात कर लेंगे हेड टू हेड को लेकर, 91 मुकाबला दोनों टीम आमने सामने आई है, जहाँ पे 42 दफा जो है वो इंग्लैंड की टीम जीती है और 43 दफा जो है वो न्यूजीलैंड की टीम जीती है। अगर बात कर लेंगे लास्ट के 5 ओडीआई मैच को लेकर, तो इंग्लैंड की टीम लॉस विन 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 लॉस करके आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम विन लॉस 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 करके आ रही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंग्लैंड का पॉसिबल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है, तो आपको दिख जाएंगे जॉनी बेयरस्टो के साथ जेसन रॉय, फिर जो रूट, बेन स्टोक्स आफ्टर रिटायरमेंट इनको जो है वो टीम में बुलाया गया कि भाई आइए आप हमारे लिए काम कीजिए, वर्ल्ड कप में भी काम करना आपको, फिर जॉस बटलर, मोइन अली, लिविंगस्टन, सैम करन, क्रिस वोक्स, मार्क वुड आदि रसीद में रिकॉर्डिंग पॉसिबल प्लेइंग में रहने चाहिए। गेंदबाजी बात कर लेंगे, सैम करन, क्रिस वोक्स, मार्क वुड आदि रसीद इन चारों को डालना चाहिए 10-10 ओवर का स्पेल। इसके बाद लिविंगस्टन, मोइन अली के खाते में जाएंगे 3-5 ओवर का स्पेल, और जरूरत पड़ गई तो बेन स्टोक्स के साथ जो रूट भी डाल सकते हैं 1-2 ओवर का स्पेल। स्पेशली बेन स्टोक्स के ऊपर टीम जो है तरजीह कर सकती है 4-5 ओवर का स्पेल, क्योंकि जॉस बटलर का अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं बेन स्टोक्स को अच्छा खासा गेंदबाजी में भी यूज करना चाहता हूँ, कहाँ पे, वर्ल्ड कप में। अब आइए हम बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स को लेकर। सबसे पहले नाम आता है जॉनी बेयरस्टो साहब का, हेड टू हेड में 75 का एवरेज है, वेन्यू पे 46 का एवरेज, T20 में यहाँ पे जो है T20 के जगह पे ओडीआई कर लीजिएगा भाई साहब। ओडीआई में अगर आप देखोगे 95 मुकाबला में इनका 46 का एवरेज है, और रिसेंट फॉर्म देखोगे तो इनका 73 मैच में रिसेंट फॉर्म में 73 मैच में 73-12-86-4-44 यानी कि जहाँ पे आपको T20 दिखे वहाँ पे ओडीआई आपको कर लेनी है, ठीक है, इतना तो आपको ही लोगे। जैसा मैं हेड टू हेड बात करूँगा 25 का एवरेज, वेन्यू के ऊपर 81 का एवरेज है, ओडीआई में जो है 116 मुकाबले में 39 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 0-19-28-23-17। फिर आपको दिखेंगे जो रूट भाई साहब, 21 मुकाबला 54 का एवरेज है, हेड टू हेड में वेन्यू के ऊपर 33 का एवरेज है, ओडीआई में 50 का एवरेज है, 26 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 9-8-35-14-72-0। बेन स्टोक्स बहुत बड़े नाम, ओडीआई में जो है इनका देखोगे तो 38 का एवरेज है, 74 विकेट है 150 मैच में। फिर यहाँ पे हेड टू हेड के 13 मैच में जो है वो 47 का एवरेज है, वेन्यू में 35 का एवरेज है, 5 विकेट है, रिसेंट फॉर्म ओडीआई में 5 रन 0 विकेट, 27 रन 0 विकेट, 21 रन, उसके अलावा 0 रन 0 विकेट, 32 रन 0 विकेट। ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट करता हूँ, जहाँ जहाँ ये T20 देख रहे हैं वो आप ओडीआई समझिएगा, T20 का स्टैट्स वो नहीं है। फिर आप कहोगे जोस द बॉस, हेड टू हेड में इनका जो है 40 का एवरेज है, वेन्यू के ऊपर 74 का एवरेज है, ओडीआई में इनका जो है वो 41 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म ओडीआई में 13 पे नवाद 11-82। लैम लिविंगस्टन, इनका ओडीआई में 31 का एवरेज है, 6 विकेट भी इनके पास है, रिसेंट देखोगे 26 रन 2 रन 1 विकेट 1 विकेट 10 रन 1 विकेट और 8 रन 2 विकेट। फिर आपको दिखेंगे मोइन अली, हेड टू हेड में 7 मैच 86 रन 6 विकेट, वेन्यू के ऊपर 3 मैच 31 रन 2 विकेट, ओडीआई के 129 मुकाबले में 25 का एवरेज है, 99 विकेट है, रिसेंट ओडीआई के मैच में 1 रन 0 विकेट, 26 रन 6 रन 0 विकेट, 1 विकेट और 32 रन। देन आफ्टर हमारे इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन रहने वाले सैम करन, एक बेहतरीन मिलर, कैचिंग पोजीशन अच्छा होता है, बैटिंग प्लस बॉलिंग रन देंगे, ओडीआई के 23 मैच में 26 विकेट है, 318 रन है, रिसेंटली देखोगे 5 रन 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 रन 0 विकेट। फिर आपको दिखेंगे वोक्स, ये भी कैप्टन वीसी के अच्छे कंटेंडर होते हैं, ओडीआई में देखोगे इनका 112 मैच में 160 विकेट है, 1386 रन भी है, वेन्यू पे 5 मैच 5 विकेट, और हेड टू हेड में ध्यान देना भाई 13 मैच में 22 विकेट है। फिर आपको दिख जाएंगे रिसेंट फॉर्म 16 रन 1 विकेट 4 रन 0 विकेट 1 विकेट 36 रन 3 विकेट 4 विकेट, मार्कवुड विकेट टेकर गेंदबाज, हेड टू हेड 9 मैच में 9 विकेट, वेन्यू पे 5 मैच में 6 विकेट, ओडीआई के 59 मैच में 71 विकेट, रिसेंटली देखोगे 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 3 विकेट। फिर आपको दिखेंगे आदि रसीद का नाम, वेन्यू पे देखोगे 5 मैच में 9 विकेट, हेड टू हेड 13 मैच 17 विकेट, ओडीआई के 125 मैच में 183 विकेट, रिसेंटली देखोगे 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट लेके आ रहे हैं। और बेंच पे आपको दिखेंगे गस एटकिंसन, डेविड मलान, डेविड विली, आर्ट टॉपली, हैरी ब्रुक। मुझे लगता है टीम हैरी ब्रुक को ना लेके यहाँ पे जो है वो रिच टॉपली को बैक कर सकता है प्लेइंग 11 में, किसके जगह पे उसके लिए आपको करना होगा इंतजार, में भी ये टीम मार्कवुड के जगह पे टॉपली को ले सकती है या फिर ये क्रिस वोक्स के जगह पे टॉपली को ले सकती है, देखने वाली बात होंगी। अब स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर बात कर लेंगे, आपको दिखेंगे सैम करन, मार्कवुड और क्रिस वोक्स। डेथ ओवर्स को लेकर बात कर लेंगे, आपको दिखेंगे सैम करन, मार्कवुड और बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स गेंदबाजी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये हम बात करते हैं सामने वाली जो टीम होंगी न्यूजीलैंड की, जहां पे आपको ओपन दिखेंगे फिन एलन, डेवन कॉनबे, हेनरी निकलस, टॉम लेथम, डी मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, काइल जेमिनसन, टीम सऊदी, ट्रेंट बोल्ट, और आपको दिख जाएंगे लॉकी फर्गुसन। गेंदबाजी की बात कर लेंगे, लॉकी, ट्रेंट बोल्ट, टीम सऊदी, काइल जेमिनसन और मिचेल सेंटनर, ये पांचों डालेंगे 10-10 ओवर का स्पेल। अगर यहाँ पे किसी का दिन बुरा हुआ तो वो जाएंगे डी मिचेल खाते में, और सामने अगर लेफ्टीज अच्छे खासे पड़ गए बीच में
तो आपको ग्लेन फिलिप्स भी 2 से 4 ओवर डालते नजर आ सकते हैं। अब हम अगर बात कर लेंगे प्लेयर स्टैट्स को लेके, तो फिन एलन का ओडीआई में 31 का एवरेज है, रिसेंटली 16, 83, 3, 21 और 69 रन किए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी मैं रिपीट कर दूँ, T20 की जगह पर आपको ओडीआई समझना है, ठीक है। डेवन कॉनवे को लेकर बात कर लेंगे, 18 मैच में 45 का एवरेज है, रिसेंटली 9, 2, 3, 51 पे नवाद 54 पे नवाद करके आ रहे हैं। फिर आपको दिख जाएंगे हेनरी निकलस, बेहतरीन प्लेयर ओडीआई के साथ मैच में, हेड टू हेड में 20 का एवरेज है और ओडीआई में नॉर्मली इनका 35 का एवरेज है, रिसेंटली 23, 1, 6 पे नवाद, 20 पे नवाद, 40 पे नवाद करके आ रहे हैं। टॉम लेथम 7 मैच में 286 रन, हेड टू हेड में 40 का एवरेज, उसके अलावा ओडीआई में इनका 35 का एवरेज है, रिसेंटली देखोगे 59, 60, 45, 98 और 20 करके आ रहे हैं। फिर आपको दिखेंगे मिचेल साहब, इनका अगर आप ओडीआई के ऊपर ध्यान दोगे 25 मैच में जो है इनका 43 का एवरेज है, 11 विकेट भी है। ध्यान रखिएगा ओडीआई में ओवर डालते हैं ये। फिलिप साहब को लेकर बात कर लेंगे, तो रिसेंटली 42, 68, 22, 44, 65 करके आ रहे हैं, प्लस 0 विकेट। ओडीआई में इनका 31 का एवरेज है, 5 विकेट भी हैं, रिसेंटली जो है गेंदबाजी नहीं की है। डी मिचेल 14, 8, 0, 7, 15 रन, 0 विकेट लेके आ रहे हैं। फिर आपको दिखेंगे एक और बेहतरीन प्लेयर जिसका नाम है मिचेल सेंटनर, हो सकते हैं हमारे स्मॉल लीग में कैप्टन वीसी भी हो जाए। हेड टू हेड में बात करोगे 13 मैच में 12 विकेट है, 41 रन है। वेन्यू के ऊपर बात करोगे 3 मैच 17 रन है, 2 विकेट है। ओडीआई में 93 मैच 28 का एवरेज है, 90 विकेट है भाई साहब, रिसेंटली 3 विकेट 1 विकेट 8 रन 1 विकेट 8 रन 0 विकेट 1 विकेट लेके आ रहे हैं। काइल जेमिसन का लेकर बात कर लेंगे, तो रिसेंटली 0 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट को लेके आ रहे हैं। T20 के इनके स्टेट्स हैं और ये इनका ओडीआई का स्टेट्स है, जहां पे 8 मैच में इन्होंने 11 विकेट लिए हुए हैं। फिर आपको दिख जाएंगे टीमाता सऊदी, जहां पे हेड टू हेड में इन्होंने 21 मैच में लिए 36 विकेट, फिर वेन्यू के ऊपर 3 मैच में लिए 5 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट। ट्रेंट बोल्ट हेड टू हेड में आपको दिख जाएंगे 12 मैच 19 विकेट, वेन्यू पे 3 मैच में 3 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 3 विकेट 4 विकेट 4 विकेट 20 रन और 4 विकेट प्लस 1 विकेट। नए बॉल से गुच्छे में विकेट लेके जा सकते हैं ट्रेंट बोल्ट। फिर आपको दिखेंगे लॉकी फर्गुसन, अगर इनका देखोगे आप हेड टू हेड 2 मैच में 4 विकेट, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट। बेंच पे आपको दिखेंगे मिलने विलियंग, मैट हेनरी और रचिन दविंद्रा। अब स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर बात करेंगे, आपको दिख जाएंगे टीम सऊदी काइल जेमिसन ट्रेंट बोल्ट, और डेथ में आपको दिख जाएंगे टीम सऊदी काइल जेमिसन ट्रेंट बोल्ट। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, मैंने कई दफा देखा डी मिचेल भी 40वें ओवर के बाद 1-2 ओवर डालने आ जाते हैं। अब दोस्तों ये हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर, ध्यान रखिएगा ये हमारा बस एक डेमो टीम होगा, फाइनल टीम आपको जरूर बनते जाओ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अभी जो हमारा फैंटेसी का टीम है ड्रीम 11 के अकॉर्डिंग मैंने अपना टीम फाइनल किया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ आपको बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। लाइक मैंने विकेट के पीछे से लिए जॉनी बेस्टो को, फिर मैंने लिए डेवन कॉनवे को, उसके बाद आपको मेरी टीम में दिख जाएंगे बल्लेबाजी से जो रूट बेन स्टोक्स, देन आपको दिखेंगे ऑलराउंडर से सैम करन, मोइन अली, उसके अलावा दिखेंगे आपको मिचेल सेंटनर। बॉलिंग से मैंने लिए ट्रेंट बोल्ट, टीम सऊदी, आदि रसीद और मार्क वुड को। अब दोस्तों उस एप्लीकेशन पे जहां पे 3 बल्लेबाज लेने मैंडेटरी है, वहां पे आप क्या करना, मोइन अली को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज स्ट्राइकर लेना आप अपने टीम में। लाइक कि आप ले सकते हो न्यूजीलैंड का ग्लेन फिलिप्स को, अगर आप लेना चाहो इंग्लैंड का तो इंग्लैंड का भी आप जेसन रे के साथ जा सकते हो, जिनको स्विंग खेलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये हमारा भी फाइनल टीम है सभी एप्लीकेशन के लिए, बस बैटिंग सेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा पिक मैं आपको अभी के लिए रिकमेंड करूंगा जेसन रे, इनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, बाकी फाइनल मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। आइए हम बात करते हैं 5 कैप्टन वीसी का नाम, जिसमें मैंने कैप्टन वीसी में एक सैम करन का नाम रखा हुआ है, दूसरा सेंटनर का नाम रखा हुआ है, तीसरा मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहां पे बेन स्टोक्स, चौथा जो रूट और पांचवा दोस्तों जॉनी बेयरस्टो। इन 5 में से आप किसी भी 2 को कैप्टन वीसी देके जा सकते हो। अभी मैंने स्मॉल लीग में क्या किया, मेरे कैप्टन होंगे यहां पे सैम करन और वीसी हमारे होंगे अभी के लिए दोस्तों मिचेल सेंटनर। बाकी टॉस का इंतजार करेंगे, टॉस के बाद जो भी बदलाव होगा उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो का लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।